बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ईच प्रोजेक्ट के मॉड्यूल 1 और यूनिट 5 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो यूनिट 4 तक सॉल्व कर चुके हैं उनकी 68% हो चुकी है, तो आज हम इसको यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे। तो उसको हमने स्टार्ट करना है, देखिए टॉप पे ओवरव्यू जहाँ लिखा हुआ है, डोन एरो पे टच करें, वहाँ से डायरेक्ट स्विच कर जाएंगे यूनिट 5 पे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, यूनिट 5 पे टच किया, इंट्रोडक्शन, लर्निंग आउटकम स्टार्ट पे दिए होते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी लोड नहीं हो रही, बट मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। उसका टाइटल नहीं सामने आ रहा, रिफ्लेक्शन एक्टिविटी है। हाँ जी, रिफ्लेक्शन एक्टिविटी है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। लोडिंग और आंसर द क्वेश्चंस। ये देखें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट्स कोई दी होती हैं तो हमने रिफ्लेक्शन हमारा होता है लिहाज से ये, तो उसके मुताबिक हमने ये इन स्टेटमेंट्स को जो हम समझते हैं हमारे लिए बिल्कुल हमारे मुताबिक है, बिल्कुल सूटेबल है, तो उसको आप जो है ना उसके सामने चेकबॉक्स को आप चेक कर दें। तो ये ग्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आप समझते हैं तो आप लगा दें, अदरवाइज इट्स ओके, ग्रेड्स नहीं आपके कम होंगे। तो मैं ये सामने आपके लगा रहा हूँ, आप सेम भी कर सकते हैं। मैं पढ़ के कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ओके नेक्स्ट। ये जी सबमिट हो गया, बैक चलते हैं। इसके जो पीडीएफ्स हैं ये सारे मैं बाद में लोड कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा, अभी हम नेक्स्ट करते हैं, जो है एक्टिविटीज़ सॉल्व करते हैं। इसको भी मैं बाद में डाउनलोड करूँगा, टाइम वेस्ट होता है तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी। ओके, ये ले मैंने पढ़ लिया है तो इसके मुताबिक ये कर दिया। नेक्स्ट, और देख लेते हैं कितने इंक्स में ग्रेड्स आते हैं। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, 4 out of 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 100% हमने अचीव कर लिया इसमें। नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ग्रीन वगैरह बाद में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक्टिविटी है एडवाइस फॉर टीचर। ये ऊपर एक ना स्टेटमेंट दी हुई है, टीचर अपना प्रॉब्लम शेयर करती है, आपने इसको पढ़ लेना है, उसके बाद फिर एक हमने इसका सोल्यूशन तक जाना है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी है जो ऊपर टीचर अपना प्रॉब्लम दे रही है, बता रही है क्या प्रॉब्लम है। ओके, आई होप पढ़ लिया होगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, आंसर द क्वेश्चन। लोडिंग में आपको पता है थोड़ा टाइम लेती है ये ऐप, तो ये ले। ये भी कोई ग्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, विदाउट हेजिटेशन आप जो समझते हैं इसको आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे जो सूटेबल लगी है तो मैंने करता जा रहा हूँ इनको।
नेक्स्ट फीडबैक जो भी था, एडवाइसेस हमने दे दी, उसके बाद बैक नेक्स्ट कर दिया, पीडीएफ हम बाद में डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद इसको हमने ठीक है वो पढ़ लिया, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी क्विज है, ग्रेडिंग है इसकी तो ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट में आ गया प्रिपरेशन, फिर आ गया रेपिटेशन, फिर आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग, और फिर आ गया लैंग्वेज प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेंडिंग, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, 5 out of 5, गुड। ग्रीन हो गई, नेक्स्ट। रिफ्लेक्शन ऑन योर टीचिंग प्रैक्टिस, ये भी फीडबैक है, आई होप ये भी ग्रेडिंग वाला नहीं है। रिफ्लेक्शन, फीडबैक, ये चेक बॉक्सेस वाली एक्टिविटी को आप अपने मुताबिक, अपने टीचिंग स्टाइल और टीचिंग स्ट्रेटजीज के मुताबिक आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। तो मैं इनको चेक करता जा रहा हूँ। काफी लंबा रिफ्लेक्शन है ये, तो डन। बैक आ गए, उसके बाद अप्लाइंग योर कॉन्टेक्स्ट है, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये भी उसी तरह का ही है, पढ़ के इसको करें अच्छे तरीके से, हेल्पफुल भी है ये काफी। हो गया, बाद में डाउनलोड करते हैं, तो पीडीएफ एंड पे सारे मैं डाउनलोड करके आपको परसेंटेज दिखाऊंगा कितनी हुई है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही करता जा रहा हूँ क्योंकि फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। समरी आ गई, छोटा सा यूनिट है नेक्स्ट, और क्विज आ गया जी। तो क्विज स्टार्ट करते हैं, कुछ मैं ये लाइव जो मैं अपनी एक्टिविटी सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आपको दिखा दूंगा, साथ मुझे कुछ क्वेश्चन किसी फ्रेंड टीचर ने व्हाट्सएप किए थे तो जो उनके थे मैं वो भी एंड पे उनकी पिक्चर्स ऐड कर दूंगा, तो फुल इनमें से मैक्सिमम जो आपके फिर इनमें से ही आ जाएंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। ये इसके अंदर री अटेम्प्ट की ऑप्शन नहीं होती तो इसलिए जरा ध्यान से कीजिएगा। तो पहला हमारा फॉल्स हो गया, सेकंड हमारा ट्रू हो गया,
थर्ड में वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम डाइवर्सिटी. और क्वेश्चन नंबर फोर, इसको देख लेते हैं. मैं ज़रा पढ़ के ध्यान से कर रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है मेरे को इसको देख कर काफ़ी लोगों ने सॉल्व करना होता है, तो यही अगर गलत हो गया तो फिर सबका रॉन्ग हो सकता है. तो इसलिए फिर मैं ज़रा इसको पढ़ के करता हूँ ध्यान से, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये है कि फिर होने भी तो ठीक चाहिए ना. तो क्वेश्चन नंबर फाइव, ये ले ट्रू. और क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसको भी हम कर देते हैं. ओके, सिक्स हमारे पूरे हो गए. अब हम इसको नेक्स्ट करके देख लेते हैं ग्रेड्स क्या आते हैं. नेक्स्ट सबमिट. ओके, अब जिसने यूनिट 1, 2, 3, 4 अभी तक नहीं किए तो मेरे चैनल पे तमाम उन चैनल्स के सॉरी उन यूनिट्स के आंसर्स मौजूद हैं, तो आप वहाँ से देख के अपने प्रीवियस यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं. ये आपके सामने मैं दोबारा दिखा देता हूँ, अगर किसी का रह गया हो तो ये देख लें करेक्ट है. हमारे तमाम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स हो गए हैं जी. ठीक है, 6 out of 6 आए हैं. हम बैक चलते हैं और PDFs वगैरह डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि परसेंटेज कितनी बनी है. आपने नेक्स्ट कर देना है वही कम्युनिटी प्रैक्टिस के बारे में, आएगा डिस्कशंस के बारे में. प्रीवियस यूनिट्स की जो डिस्कशंस हैं वो आप देखना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट और ग्लॉसरी है बला बला सब कुछ. तो ये क्विज अभी जो जो सर्टिफिकेट है अभी रिस्ट्रिक्टेड है, 100% होने पे मिलेगा. तो 78% शो हुई है, अराउंड अबाउट 78 ही होनी चाहिए आई थिंक सो. अपनी परसेंटेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. और ये कुछ मोर क्विजेज हैं, कुछ में भी मैच करेंगे, कुछ 2, 3 डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. इस पे सिर्फ ईस्ट प्रोजेक्ट के हवाले से ही नहीं वीडियोस होती, इसमें हमारे स्कूल्स में क्लासरूम में जो मैं बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाता हूँ मोस्टली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए. तो देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, आपके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. नेक्स्ट यूनिट तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़.